जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अवसर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आज मन की बात की। देश के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं मगर प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र तक नहीं किया अपने मन की बात में। आज सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है जॉब की बात, किसान की बात। प्रधानमंत्री के खिलाफ तेवर अपनाते हुए यह ट्रेंड कराया जा रहा है मन की बकवास। मगर प्रधानमंत्री ने न नौकरी का जिक्र किया न किसान का जिक्र किया। और खूबसूरत बात यह रही कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो आज उन्होंने ये तक कह दिया कि तमिलनाडु में जो तमिल बोली जाती है वो कितनी खूबसूरत भाषा है और काश मैं भाषा सीख पाता। देश की जनता तो इतनी नासमझ है कि वो इसके पीछे की सियासत देख भी नहीं सकती है। उन्होंने इसी तरह से असम का भी जिक्र किया, पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। तो राजनीति कैसे खेलना चाहिए यह भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, देश का युवा जो है वो त्राहिमाम कर रहा है रोजगार को लेकर, मगर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले जब जामिया का छात्र या जेएनयू का छात्र सड़कों पर था, आंदोलन कर रहा था, तब आज की तारीख में कई युवा जो सड़क पर हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, वो लोग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को गाली दे रहे थे, जेएनयू को देशद्रोही बताकर गाली बक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। वो जानती है कि आज की तारीख में जो युवा संघर्ष कर रहा है, जब वोट देने की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से उसे समझा बुझाकर किसी छद्म राष्ट्रवादी मुद्दे पर उसके पक्ष में वोट डलवा लेगी। हकीकत यही है। इसलिए बीजेपी को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और जो पत्रकार उस आपके सामने ये मुद्दे लेकर आ रहे हैं, उन्हें भी लाइन पर लगाने का इन्होंने जो है प्लान बना लिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया यानी कि न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स अमेज़न जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर काबू पाने के लिए अब नए कानून, नए प्रावधान लाने की योजना बना रही है। यानी कि आज की तारीख में मैं जो आपसे ये बात कर रहा हूं, अगर ये कानून हकीकत में आ जाए दोस्तों, तो सरल भाषा में अगर आपसे कहूं मैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बैठा कोई बाबू, मैं जो आपसे ये बात कह रहा हूं, अगर उन्हें यह पसंद नहीं आई तो वो इसे हटा सकते हैं। यानी कि मेरे दर्शक जानते हैं कि मैंने जो पत्रकारिता की है उसमें हमेशा जनता के हित की बात करते रहा हूं, चाहे बेरोजगार हो, मजदूर हो, किसान हो, मैंने हमेशा उनकी बात की है, मैंने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है। मगर सरकार जो कोशिश कर रही है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बैठा बाबू जो है वो मेरे प्लेटफॉर्म, मेरी आवाज पर पाबंदी लगा सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर उसे कहीं से चुनौती मिल रही है तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यूज क्लिक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल रही है। वरना अखबार हो या न्यूज चैनल्स हो, वो तो बीजेपी सरकार के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। और आपको पता होगा कि न्यूज क्लिक के दफ्तर पर और हमारे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर प्रवर्तन निदेशालय 110 घंटे तक उनसे पूछती रही। एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए कि हम किसान की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की आवाज उठाते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को जानते हैं, हम सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, मगर एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके लिए कितने खतरे की बात हो सकता है? तो इन दो घटनाओं को जोड़कर देखिए, एक तरफ न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मोदी सरकार की रेड, दूसरा मोदी सरकार किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काबू पाने के लिए कानून ला रही है जिसमें सरकार में बैठा कोई बाबू मेरी आवाज को दबा सकता है। और फिर
आपके मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे किसान को लेकर है। आज भी दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेट्रोल जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम कौन उठा रहा है उससे? कोई नहीं उठा रहा है। आपके सामने हकीकत देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त नई दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 91 रुपए प्रति लीटर, यानी कि 90 रुपए 93 पैसे। डीजल के दाम नई दिल्ली में है 81 रुपए 32 पैसे। मुंबई की बात करें तो 100 का आंकड़ा छूने वाला है, 97 रुपए 34 पैसे। डीजल की बात करें 88 रुपए 44 पैसे। कोलकाता में 91 रुपए 12 पैसे डीजल के दाम, 84 रुपए 20 पैसे। चेन्नई में 92 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, और डीजल की बात करें तो 86 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर। और रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आंकड़ा अब मैं आपको दिखाने वाला हूं श्रीगंगानगर का। जी हां, श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम इस वक्त आपके स्क्रीन पर 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, और डीजल जो है वो 94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, 100 रुपए प्रति लीटर दोस्तों। जबकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम जो हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं और सरकार कहीं ना कहीं इसी तरह से अपने मन की बात करना चाहती है। उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है जनता के मुद्दों को हम उठाएं। हम पर तो आप काबू पाएंगे, हम पर तो आप अंकुश लगाएंगे, मगर नुकसान किसी और का नहीं, इस देश की जनता का होने वाला है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। आपके सामने राहुल गांधी का यह बयान, हिम्मत है तो करो, किसान की बात जॉब की बात, राहुल गांधी का बयान। अब आपके सामने प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो आपकी स्क्रीन में। कैसी सरकार है जब युवा करते हैं जॉब की बात तो उनको सरकार भेज देती है हवालात। युवा अपने हक की बात करेगा, सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे एवं उनकी बात सुने भी। क्यों बात ये प्रियंका गांधी कह रही हैं? क्योंकि वो एक खबर का हवाला दे रही हैं, इलाहाबाद की खबर है, रोजगार मांगने वाले 103 छात्रों पर केस। क्या आपको हैरत हो रही है कि रोजगार मांगने के लिए लोगों पर केस कर दिए जाएंगे? आप भूल गए बिहार सरकार ने क्या किया था। बिहार सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी युवा धरना प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो नीतीश सरकार का फरमान था ना, यानी कि अगर आप अपने हक की आवाज उठाओगे तो इस तरह से आपको दबाया जाएगा, चाहे नीतीश सरकार हो या केंद्र में बीजेपी सरकार। केंद्र में जो सरकार है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से काबू पाना चाहती है, और नीतीश सरकार आप देख चुके हैं। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। करो युवाओं के मन की बात, बेरोजगारों की जॉब की बात, जवानों और किसानों के हित की बात, जनतंत्र में जन जन की जरूरतों, परेशानियों, जॉब की बात एवं किसान की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है तो बस असल मुद्दों और जन सरोकारों से ध्यान भटकाने वाले सत्ताधीशों के मन की बात, यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं यहां पर करारा हमला किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं। देश एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने बढ़ रहा है दोस्त, क्योंकि जब देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह से प्रहार होगा जिस तरह से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार प्रहार कर रही है, और सरकार को अगर सिर्फ इस बात में दिलचस्पी होगी कि देश की जनता उनके मन की बात सुने, तो संकट तो होगा ही ना, बताइए, संकट तो होगा ही। यही नहीं है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर हकीकत सरकार की सामने उभर कर आ रही है। ट्विटर पर आप देखिए, तमाम जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया पर काबू पाना चाहती है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, इनमें से कई युवा हैं जो आज रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। जब जेएनयू और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर थे, तब आप लोगों में से कई लोगों ने उनको गालियां दी थी, जब वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की बात उठा रहे हैं। दोस्तों मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं कि आप जो आंदोलन करें उससे मैं इत्तेफाक रखूं, मगर अगर आप वो आंदोलन लोकतांत्रिक दायरों में रहकर करें
और अगर उस आंदोलन के पीछे वाकई में विदेशी ताकतें ना हो, वो काल्पनिक कहानियां नहीं जो गोदी मीडिया अक्सर आपको सुनाती रहती है, अगर वो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत हो रहा आंदोलन हो, तो हमेशा उस आंदोलन के लिए हमारा समर्थन होना चाहिए, उन्हें आंदोलन करने का हक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उनसे इत्तेफाक रखें, मगर उन्हें हक होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ये सरकार आज है, कल चली जाएगी, और जब वो चली जाएगी, जब वो विपक्ष में होंगे, तब जो नई सरकार आएगी इस मौजूदा सरकार से सीखकर इसी तरह से आपकी आवाज को दबाएगी, और उस वक्त जो मौजूदा सरकार विपक्ष में होगी उसकी आवाज को दबाएगी जो अब हो रहा है। हालांकि मैंने कांग्रेस को देखा है, जब वो सत्ता में थे उन्होंने अन्ना आंदोलन को इजाजत दी थी, निर्भया आंदोलन को इजाजत दी थी इंडिया गेट में, मगर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस वाकई सत्ता में दोबारा आ गई, या फिर कोई और सरकार और कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई, तो वो बीजेपी से सीखकर इसी तरह से जो अपने हक की बात करेगा उसे दबाया जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.